नमस्कार और आप देखें पल पल। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि हरियाणा हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज केंद्र सरकार के एनडीए इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए 12वीं कक्षा के बाद होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में जैसे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज जेईई तथा NEET नीट के संबंध में चल रही अनिश्चितता को शीघ्रता से समाप्त करने तथा तुरंत नए कदम उठाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों में तथा उनके मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री को अवगत करवाया कि हरियाणा कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट की हर स्थिति और हर घड़ी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित रूप से पुनः शुरू करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि COVID-19 के संबंध में प्रदेश में वर्तमान आंकड़े काफ़ी आशाजनक है। प्रदेश में प्रतिदिन 3,115 सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं और आज तक किए गए कुल 22,243 टेस्टों में से केवल 299 पॉजिटिव पाए गए। इन सभी को अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है और इलाज के बाद 205 मरीज ठीक होकर के अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिए गए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कीमती है और हम हर किसी को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश राज्य में COVID-19 के 3 व्यक्तियों की जान चली गई। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स इत्यादि के साथ राज्य में कुल 22,792 टीमें बनाई गई हैं। आप देख रहे हैं पल पल की खास रिपोर्ट।